बेशरम शख्स, बेगैरत हो तुम। मैं अपनी माँ के खिलाफ गई तुम्हारे झूठ की वजह से, इस शख्स की वजह से जिसने मुझे बेवा बना दिया। मैं अपनी फरिश्ता सिर्फ माँ को मैंने उसका दिल दुखाया, किसके लिए? तुम्हारे लिए, जिसकी मैं बहन बनी रही। क्यों किया तुमने इस तरह से हमारे साथ? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मेरे शौहर ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तुम्हारा, जो तुम्हें प्यार से मामू बोलती है? सानिया भी, और तुम, तुमने इस शख्स से शादी कर ली जो नफरत के भी काबिल नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी हमारे लिए। सानिया भी, मैं इसे अपने हाथों से सजा देना चाहती थी, इसीलिए मैंने इससे शादी की। और तुम भूलना नहीं, मैं अपने शौहर का कत्ल कभी माफ नहीं करूंगी। फरिश्ता नहीं था तुम्हारा शौहर, तुम्हारे सामने फरिश्ता बनने की एक्टिंग कर रहा था। तुम्हारा शौहर नहायत ही घटिया नीच इंसान था। सुनना है ना तो सुनो, तुम्हारा शौहर तुम्हारी माँ की ही सारी जायदाद लेकर उनको सड़कों पर लाने का प्लान कर रहा था। लालची इंसान था वो, मैंने सिर्फ उसकी लालच का इस्तेमाल किया है। और क्या गलत किया इसमें मैंने? और ये सब करने के बाद मेरी जान का अजाब बन रहा था, वो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। शौहर का कातिल सरेआम घूम रहा है, और मैं आज तक अपनी माँ को कातिल समझती रही। है कातिल तुम्हारी माँ, है वो कातिल मेरे भाई की कातिल, मेरी माँ की खुशियों की कातिल। तुमने एक पागल औरत की खातिर सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म नहीं आई तुम्हें? खुदा को क्या मुंह दिखाओगे तुम? ये मत समझना कि मानूर अकेले तुम्हारे मुकाबल खड़ी है, इसके साथ इसकी बड़ी बहन भी खड़ी है, और मैं तुम्हें अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगी। जहां तक बात आई सजा की, तो वो तो तय है, याद रखना। ये तुम दोनों का ख्वाब है, कभी पूरा होगा नहीं। लेकिन आज तुमने मेरी मां के बारे में बात करके अच्छा नहीं किया।